नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के हेल्थ को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उन्हें आज सुबह कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हां, अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है, लेकिन मामला दिल की बीमारी से जुड़ा नहीं है। भास्कर.com की रिपोर्ट के मुताबिक बिग बी को कड़ी सुरक्षा के बीच आज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने दोपहर में एक्स पर पोस्ट किया है। अमिताभ बच्चन के फैंस इस खबर के सामने आने के बाद बेहद परेशान हो गए हैं। कई फैंस लगातार एक्टर के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। अस्पताल के हवाले से ये बताया जा रहा है कि बिग बी को आज सुबह भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनके ये एंजियोप्लास्टी किसी दिल के मर्ज के कारण नहीं, बल्कि पैर में हुए क्लॉट की वजह से हुई है। बीती शाम उन्हें एक इवेंट में जाने के बाद थोड़ी तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें शुक्रवार की सुबह अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद ही उन्हें भर्ती कर लिया गया और एंजियोप्लास्टी की गई। वहीं अमिताभ ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें एक्टर ने लिखा है, हमेशा ग्रैटिट्यूड। अब ऐसा माना जा रहा है कि सर्जरी के बाद वो फैंस का आभार प्रकट कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अमिताभ बच्चन कई बीमारी से जूझ रहे हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के सेट पर ही अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी। केबीसी सीजन 14 की शूटिंग के दौरान उनके पैर की नस कट गई थी। वो दो बार कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। दिवाली 2022 से पहले भी अमिताभ बच्चन घायल हुए। दिवाली से ठीक पहले अपने पैर की नस कटने की जानकारी सामने आई थी। एक लापरवाही वही हुई जहां पर बिग बी को हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ाया था। बिग बी का 75% लीवर काम करना भी बंद कर चुका है। पहले ही अस्थमा, लीवर प्रॉब्लम और निमोनिया से बिग बी जूझ रहे हैं। कुली के सेट पर पुनीत इस्कर का घूसा लगा था, मुश्किल से बची थी उनकी जान। जी हाँ, बात करें बिग बी के लेटेस्ट एक्टिविटी की, तो उन्होंने हाल ही में बेटे अभिषेक बच्चन संग ISPAL में अपनी टीम का जश्न भी मनाया था। दरअसल इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का आयोजन चल रहा था। गुरुवार 14 मार्च को अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की टीम माझी मुंबई ने चेन्नई सिंघम्स को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली थी। इसके बाद दोनों अभिनेताओं ने अपनी टीम के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया। बात करें उनकी प्रोजेक्ट्स की, तो अमिताभ बच्चन के पास अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। वो जल्द ही प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 AD में अहम रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम भी अमिताभ बच्चन की जल्द स्वास्थ्य सही होने की कामना करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक और ऐसी ही जानकारी पहुंचा सकें।